Hi grade first, in previous class we had completed chapter 6, that is describing words, right? हमने ये chapter complete किया था. Today I'll start with chapter number 7. इसी के साथ I have also informed you that exams are starting from 15th, 15 से हमारे एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं और ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो एग्जाम में आने वाले हैं. ओनली ग्रामर पोर्शन आने वाला है. देर इज नथिंग अबाउट इंग्लिश टेक्स्ट बुक. इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स में से कोई भी चीज नहीं आएगी. दूसरा, ये जितने भी चैप्टर्स मैंने टिक मार्क किए हैं वो चैप्टर्स मेरे कम्प्लीट हो चुके हैं और ये तीन चैप्टर्स विल फिनिश इट ऑफ. ठीक है, हम कंप्लीट कर लेंगे. एंड इसी के साथ आई स्टार्ट रिवीजन. मैं आपको रिवीजन का पूरा एक वर्कशीट भेज रही हूँ पीडीएफ फॉर्म में. 18 पेजेस का है. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन टेक इट ज़ेरॉक्स. पेरेंट्स अगर आप चाहते हैं तो ये 18 के 18 पेजेस का आप प्रिंट निकलवा लीजिए, राइट. और या तो फिर आप उनके लिए क्वेश्चंस नोटबुक में कॉपी कर लीजिए सारे. जिस दिन मैं क्लास टेस्ट, इसको मैं एज अ क्लास टेस्ट कम रिवीजन भेजूंगी तो आप उसको कंप्लीट, आप क्वेश्चंस पहले से लिख के रेडी रखिए ताकि बच्चे इजीली आंसर्स कर पाए. आइदर आप सीधा जेरोक्स ले लीजिए या फिर आप उनके लिए क्वेश्चंस नोट करके रखिए. ठीक है, आई शेयर यू द पीडीएफ नाउ. टुडे आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 7, डूइंग वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स क्या होता है? डूइंग वर्ड्स होते हैं एक्शन वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं. ठीक है, एक्शन वर्ड्स मतलब हमारी कोई भी एक्शन दिखाए. जैसे आई एम डांसिंग, तो डांस हुआ वो हमारा एक्शन वर्ड हुआ. सोम्या इज रनिंग या फिर सोम्या रन्स, तो रन्स हमारा एक्शन वर्ड हुआ. बर्ड फ्लाइज, देखो यहाँ पे है. डॉग बार्क्स, बार्क्स मतलब भौंकता है, तो डॉग बार्क्स इज एक्शन वर्ड. सो इट इज अवर डूइंग वर्ड. ठीक है, अ बॉय स्माइल्स, बॉय हंस रहा है. ठीक है, द स्टार शाइन, द स्टार्स शाइन, शाइन्स मतलब चमकना, तारे चमक रहे हैं. द बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ रहे हैं. ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं, इसको डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. ईच पिक्चर शोज व्हाट द नेमिंग वर्ड्स डस. ये जो सारे पिक्चर्स हैं वो हमें बताते हैं कि ये जो नेमिंग वर्ड्स है वो क्या कर रहे हैं. जैसे द स्टार शाइन्स, व्हाट डू द स्टार्स डू. दे शाइन मतलब कि हम अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं तो हमें आंसर मिलेगा शाइन. ठीक है, द शाइन इज द डूइंग वर्ब. इट शोज व्हाट द स्टार्स डू. जब भी हम व्हाट क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज डूइंग, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड होगा. नाउ अंडरलाइन दिस एंड मार्क एज अ स्टार एंड राइट आई एम बी देयर. वर्ड्स दैट टेल्स व्हाट द नेमिंग वर्ड्स डू आर कॉल्ड डूइंग वर्ड्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स आर एक्शंस. जो वर्ब्स हैं उन्हें, जो वर्ड्स हैं, जो नेमिंग वर्ड क्या कर रहा है वो हमें बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्ब्स या फिर एक्शन वर्ड्स. एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन द डूइंग वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस. नंबर वन, माई मदर स्लीप्स एट 10 o'clock. मेरी मम्मी रात को 10 बजे सोती है. तो अगर मैं पूछूंगी क्या करती है, व्हाट शी डज, व्हाट शी डज मतलब मम्मी क्या करती है, तो शी स्लीप्स. तो स्लीप्स हमारा डूइंग वर्ड हुआ, राइट. मैंने जैसे बताया व्हाट इज डूइंग या फिर व्हाट डज, व्हाट इज डूइंग, ऐसा आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो डूइंग वर्ड होगा.
नंबर टू, एन ईगल फ्लाइज इन द स्काई. ईगल स्काई में उड़ रहा है, ठीक है. व्हाट एन ईगल डज, ईगल क्या कर रहा है, तो फ्लाइज, तो इट इज डूइंग व्हाट. नंबर थ्री, द बॉय क्रॉसेस द रोड. द बॉय क्रॉसेस द रोड, बॉय जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है. तो बॉय, व्हाट बॉय इज डूइंग, बॉय क्या कर रहा है, बॉय क्रॉसेस द रोड, बॉय रोड क्रॉस कर रहा है. द हैन लेज एग्स, हैन क्या कर रही है, अंडे दे रही है. लेज एग्स, तो द हैन लेज एग्स, तो लेज हमारा डूइंग वर्ड हुआ. नंबर फाइव, रामा लाइक्स एप्पल्स, रामा को एप्पल्स अच्छे लगते हैं. तो लाइक्स क्या अच्छा लगता, रामा को एप्पल्स कैसे लगते हैं, अच्छे. नंबर सिक्स, मिस्टर नादर टीचेस अस इंग्लिश, मिस्टर नादर क्या करते हैं, टीचेस मतलब पढ़ाते हैं, राइट. तो ये सारे डूइंग वर्ड है, ठीक है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द डूइंग वर्ड्स, चूज फ्रॉम द, फिल इन द ब्लैंक्स विद द डूइंग वर्ड्स, चूज फ्रॉम द स्ट्राइप. यहाँ पे आपको स्ट्राइप में वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे शाइन्स, शाइन्स मतलब चमकना. ड्रिंक्स, ड्रिंक्स मतलब पीना. कुक्स, कुक्स मतलब पकाना. स्विम, स्विम मतलब तैरना. ड्राइव, ड्राइव मतलब चलाना. हम कार या कोई भी चीज ड्राइव करते हैं ना. रीड्स, रीड्स मतलब पढ़ना. प्ले, प्ले मतलब खेलना. नंबर वन, रीटा रीड्स बुक, ये बुक पढ़ रही है ना, सो वी यूज्ड रीड्स. तो यहाँ से रीड्स हमने कट कर लिया और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है. द कैट डैश मिल्क, कैट मिल्क को क्या कर रही है, ड्रिंक्स, ड्रिंक्स मतलब पीना. द कैट ड्रिंक्स मिल्क. नंबर थ्री, द बॉयज डैश इन द प्लेग्राउंड, बॉयज प्लेग्राउंड में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं. तो खेलने को क्या कहते हैं, प्ले. सो द बॉयज प्ले इन द प्लेग्राउंड. नंबर फोर, मिस्टर सिंह डैश डिनर, यहाँ देखो मिस्टर सिंह क्या कर रहे हैं, मिस्टर सिंह खाना बना रहे हैं. खाना बनाने को क्या कहते हैं, कुक्स. मिस्टर सिंह कुक्स डिनर. नंबर फाइव, दिबाकर डैश अ कार, दिबाकर कार को क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, चला रहा है. तो ड्राइव्स, दिबाकर ड्राइव्स अ कार. नंबर सिक्स, द डक्स डैश इन द पॉन्ड, डक्स पानी में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, राइट, स्विम. द डक्स स्विम इन द वॉटर. नंबर सेवन, द मून डैश एट नाइट, मून रात को क्या करता है, चमकता है, शाइन्स. द मून शाइन्स एट नाइट, राइट. सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, एंड विद दिस आई एंड दिस क्लास. एंड योर टूडेज होमवर्क इज, you will complete exercise A and B in textbook. इसी के साथ आप chapter number 1 revise करोगे, ठीक है, letters and words, and 2 naming words, ठीक है. naming words मैंने सिखाया था, common noun, proper noun, ठीक है, common names, special names, right. इसको आप एक बार वापस से रिवाइज करोगे ताकि हम इजीली इसके रिलेटेड एक्सरसाइज कर सके, राइट. कल मैं आपका इसका क्लास टेस्ट लूंगी. विद दिस आई एंड दिस क्लास. गुड बाय एवरीवन, गुड बाय फॉर द डे, बाय.